शिक्षक महोदय को लगातार सूचना मिल रही थी कि बॉर्डरिंग इलाके में अवैध शराब का कारोबार कुछ कारोबारी लोग कर रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें से पुलिस निरीक्षक हंटरगंज, थाना प्रभारी हंटरगंज एवं अन्य पदाधिकारी शामिल थे। सभी टीम ने जाकर के वहाँ पे कंदावार एक गांव है, उसमें पिंटू साव का घर है, उसमें हम लोगों ने छापेमारी कराया। छापेमारी में विभिन्न कंपनियों का कुल 250 पेटी, जिसमें से 6500 बोतल बरामद हुआ है शराब, इसका कोई वैध कागजात नहीं दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो रामबालक साव नाम के व्यक्ति हैं। ये रहने वाले हैं कंदावार के ही, थाना हंटरगंज के। पूर्व में भी इनका पुत्र पिंटू साव के विरुद्ध में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, खास करके अवैध शराब के तस्करी से संबंधित। पुलिस की यह बड़ी सफलता है, नए वर्ष में कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी सफलता है अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध में। हम लोग यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के कार्य ना करें, वरना पुलिस सख्ती से अपना काम करेगी। उस्ताद, आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।